हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक हाथ से दो ड्राइंग बनाई थी उसमें आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे दोबारा किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो इमेज हैं जिन्हें हम बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें दो पेन को मिलाकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसे बनाने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए। यह है 21 सेंटीमीटर का पेज और यह है 26 सेंटीमीटर की स्टिक। तो हमें चाहिए 5 वाले दो पेन और एक टेप। तो अभी हम स्टैंड को बना रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा स्टैंड बन चुका है और अब हम अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं। अब शुरू होती है हमारी चित्रकारी। आप लोग देख सकते हैं ये प्रोसेस इतने हल्के हो रहा है। इसी तरह हम इन दोनों पोर्ट्रेट को पूरा करने वाले हैं। दो स्केचों को एक साथ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आपको ये बता दूं कि मिनटों का काम बिल्कुल नहीं है। इसे करने में हफ्ता भर या फिर इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। आप जो देख रहे हैं वो एक टाइम लैप्स है और इस टाइम लैप्स को भी 55% लोग सिर्फ 30 सेकेंड तक ही देखते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देखिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम भविष्य में भी आपको इसी तरह की यूनिक वीडियो लाते रहेंगे। देखने में ये चैलेंज भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन इसे करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, क्योंकि दो पेनों से बने हुए स्ट्रक्चर को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके दिमाग में ड्राइंग से रिलेटेड कोई और आइडिया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शायद अगली वीडियो उसी टॉपिक पर हो। इसके अलावा वीडियो शूट करने में भी काफी दिक्कत हुई। वीडियो में धूप आ रही थी तो उसे ठीक करने के लिए पर्दे वर्दे लगाने पड़े और किचन का काम भी पास ही में चल रहा था तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी पिछली वाली वीडियो की तरह परफॉर्म करेगी। स्केच बनाते समय हमारा पेन टूट गया तो हमें इसे फेविकोल से जोड़ना पड़ा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हमें आईज और नोज बनाने में काफी टाइम लगा, क्योंकि आंख और नाक मेन पार्ट होते हैं। अभी 6 दिन हो चुके हैं और मैं नोज वाले पार्ट तक ही पहुंच पाई हूँ। हमने सोचा था कि ये चैलेंज आसान होगा, लेकिन हमारे हाथ में दर्द होने के कारण ये चैलेंज और भी मुश्किल होता जा रहा है। और आप थैंक्स भेजकर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डालती रहती हूँ और आगे भी डालती रहूँगी। आज 9वां दिन है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ड्राइंग इतनी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग कमेंट में मैसी सर और प्रियंका चोपड़ा मैम को टैग जरूर कीजिए। हम अगला टास्क कौन सा करें, आप लोग अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमने सोचा था कि ये 6 या 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे पेन की स्याही भी खत्म हो चुकी है तो अभी हम इसे चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को मैसी सर और प्रियंका चोपड़ा मैम का स्केच पसंद आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ा क्योंकि काफी टाइम हो गया था हमें इस चैलेंज को करते करते। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14 दिन हो चुके हैं और हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।